गाजियाबाद का ये वीडियो काफी चौंकाने वाला है। वीडियो में जिस तरह एक शख्स को बुरी तरह पीटा जा रहा है, आपको लगेगा कि शायद मासूम दुकानदार को कुछ लोग परेशान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ना ये दुकानदार मासूम है और ना ही ये लोग बेवजह उसकी पिटाई कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद लौनी बॉर्डर पर खुशी जूस कॉर्नर के नाम से एक दुकान है। दुकान पर लोगों ने आरोप लगाया है कि वो लोगों को जूस में पेशाब मिलाकर पिलाता था, जिसे लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा। वहीं मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आरोपी दुकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसकी दुकान से एक प्लास्टिक की कैन को भी जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि लौनी बॉर्डर के ASP भास्कर वर्मा ने मामले की जानकारी दी और बताया कि पुलिस को जूस में पेशाब मिलाने की शिकायत मिली थी। शिकायत मिलने पर पुलिस लौनी बॉर्डर थाना क्षेत्र स्थित खुशी जूस कॉर्नर की दुकान पर पहुंची और अपनी जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने जूस की दुकान से एक बड़ी बोतल बरामद की है, जिसमें कथित तौर पर पेशाब भरा हुआ मिला है। कैन में मिले पेशाब को जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। पुलिस ने इस मामले की जांच में FIR दर्ज कर ली है और आगे की जांच कर रही है। आज दिनांक 13/9/2024 को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर के इंदिरापुरी चौकी क्षेत्र में जनता के द्वारा सूचना दी गई कि एक दुकान खुशी जूस कॉर्नर के संचालकों द्वारा जूस में मानव मूत्र मिलाया जाता है। पुलिस द्वारा इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर छानबीन की गई तो दुकान से एक कैन से करीब 1 लीटर मानव मूत्र प्राप्त हुआ है। दुकानदारों से पूछने पर उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। पुलिस द्वारा तत्काल आमिर सनाफ साबिर खान तथा उसके एक बाल अपचारी साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद के लौनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में बने खुशी जूस कॉर्नर के मालिक आमिर अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों को जूस में उन्हें पेशाब मिलाकर दे रहा था। जैसे ही ये खबर पूरे इलाके में फैली, लोगों के बीच हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने जूस में यूरिन मिलाकर पिलाने की जानकारी पुलिस को दी। शिकायत मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को आरोपी की दुकान से करीब 1 लीटर पेशाब मिला है। हालांकि इस गिरफ्तारी से पहले जूस में पेशाब मिलाकर बेचने वाले दुकानदार की पिटाई भी कर दी गई। दरअसल इस घटना के बाद से लोगों में काफी रोष और आक्रोश था। गुस्साए स्थानीय निवासियों ने जूस की दुकान लगाने वाले दुकानदार को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की और फिर उसे पुलिस के हवाले किया। घटना के दौरान इस मारपीट का किसी ने वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वायरल हो रहे वीडियो पर लोग इस दुकानदार की हरकत पर अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अभिमन्यु सिंह नाम के यूजर ने लिखा, वास्तव में नीचता की सारी हदें पार कर दी हैं। अजय जांगीर नाम के एक यूजर ने लिखा, ऐसे लोग सभ्य समाज में रहने लायक नहीं हैं, जेल ही इनका घर होना चाहिए। तो वहीं भानु नामदेव नाम के शख्स ने लिखा कि इन जैसे नीच लोगों की वजह से जो अच्छे होंगे उन लोगों को भी नफरत का सामना करना पड़ेगा।